और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $3,500 से लेकर $56,000 जो है ना वो पर मंथ अर्निंग करे। अब उसकी जो कम से कम अर्निंग है ठीक है $3,500 वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 लाख से भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और उसकी जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग है ठीक है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1,55,00,000 से भी ज्यादा ये एक मंथ में अर्निंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आबिद शहजाद। तीनपति लड्डो या इस नाइन, इसके अलावा आपके पास जो भी गेम है जिससे आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं फौरन को डिलीट कर दें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग नहीं कर सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का, और आपका भाई आप लोगों के साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाला है, एक ऐसा गेम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसपे 5 से 10 मिनट डेली आप लोग गेम खेलकर महाना 50 से 60,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना आप लोगों को ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और ना ही आप लोगों को यहाँ पे कोई स्किल वगैरह की जरूरत है, और ना ही आप लोगों को यहाँ पे कोई स्किल एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपके पास जो भी मोबाइल फोन है, कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को सेटअप वगैरह करने की जरूरत है। आपके पास जो भी मोबाइल फोन है ठीक है, चाहे 5,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है, इंटरनेट और आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो इससे आप लोग माना 50 से 60,000 रुपए कम से कम अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी एफर्ट होगी उतना ज्यादा आप लोग अर्निंग कर सकते, जितनी भी आपकी अमाउंट होगी ठीक है, जितना आप लोगों ने अर्निंग की होगी पहली तारीख से भी पहले ठीक है, 31 तारीख को लोगों को पेमेंट मिलती है, 1 तारीख को या 5-6 तारीख के बाद जाकर पेमेंट मिलती है, आपकी जो पेमेंट है वो 26 तारीख को डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ना आप लोगों ने कैमरे के सामने आना है, ना ही आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक कोई मतलब जॉब करना है, प्राइवेट वगैरह कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 5 से 10 मिनट गेम खेलना है, और इस गेम से आप लोग इतना ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा। तो दोस्तों मेरे पास हमेशा मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते हैं ठीक है, हर बंदा यही कह रहा होता है कि सर कोई आसान काम बता दें, कोई ऐसे काम बता दें जो रातों रात मतलब जिससे हम लोग अर्निंग कर सकें, डायरेक्ट हम लोग उससे अर्निंग कर सकें और विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग वहां पे अर्निंग कर सकें। तो आज जो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को एंड तक देखिए, डायरेक्ट आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है ठीक है, ना ही आप लोगों ने कैमरे के सामने आना है, और ना ही आप लोगों ने किसी के अंडर काम करना है, जब आपका दिल करे आप लोग उस वक्त काम कर सकते हैं ठीक है। 24 घंटे आपके पास, अगर उन 24 घंटों में आप लोग सिर्फ 1 घंटा भी इस काम को देना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, जिस वक्त भी आप लोग टाइम निकालें तो काम करके आप लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है हमेशा मैं आप लोगों के साथ वो वाले काम शेयर करता हूं जिससे मैं खुद अर्निंग कर रहा होता हूं, और जिससे जो है ना लोग ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, जो लाइफ टाइम तक आप लोगों को अर्निंग देता है, कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक चैनल है ठीक है, 1 मिलियन प्लस इसके ऊपर सब्सक्राइबर है, और यहां पे आप लोग इसकी सिंपल वीडियो के ऊपर ठीक है, ये देख सकते हैं 1 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है, ये 2 मिनट की वीडियो है, इसके ऊपर 44 मिलियन व्यूज हैं, ये भी 44 मिलियन व्यूज हैं ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ 42 मिलियन व्यूज हैं, 41 मिलियन व्यूज हैं ठीक है, 38 मिलियन इसके ऊपर व्यूज हैं, और वीडियो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी Apple वगैरह ठीक है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं Apple, और ये भी वही वीडियो है ठीक है, किड्स लर्निंग वाली जो वीडियोज हैं, और वो भी कहाँ से ले रहे हैं, ये सारा कॉपी पेस्ट काम है, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ ठीक है, उसके बाद काम भी आप लोगों को समझा दूंगा। 1, 2, 3 ABC ठीक है, Apple, B4 Book, यही चीज जो है ना अपलोड कर रहे होते हैं, कोई इसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसको भी अगर आप लोग मोबाइल फोन दे दें तो वो भी ये काम कर सकता है। आप लोगों को कोई वीडियो एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और उस एप्लीकेशन से आप लोग ये वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप लोग यही कह रहे होंगे कि भाई यूट्यूब चैनल बनाना है, इसके लिए कंटेंट बनाना होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो आप लोगों को कोई कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप लोगों को बना बनाया मिल जाएगा, एक जगह से आप लोगों ने उठाना है, दूसरी जगह के ऊपर आप लोगों ने अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 मिलियन प्लस इसके ऊपर व्यूज आए हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $3,500 से लेकर $56,000 जो है ना वो पर मंथ अर्निंग करे। अब उसकी जो कम से कम अर्निंग है ठीक है $3,500 वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 लाख से भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और उसकी जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग है ठीक है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1,55,00,000 से भी ज्यादा ये एक मंथ में अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक एप्लीकेशन से वीडियो उठाकर और दूसरी जगह के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, और उससे वो कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ, आप लोगों ने ये चीजें कहां से लेनी है, एडिट आप लोगों ने कैसे करनी है, और उससे आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ। तो उसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे प्रैक्टिकली आप लोगों को हर एक चीज गाइड करता हूँ। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे एक चैनल मैंने ओपन किया हुआ है ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सिंपल वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वीडियो है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप लोग नहीं कर सकते, सब कुछ बना बनाया आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है, ये जो चीजें आप लोग देख सकते हैं सब कुछ आप लोगों को बना बनाया मिल जाएगा। अब सेम अगर आप
लोग सेम यही कंटेंट बनाएंगे तो फिर आप लोगों को मतलब कोई इश्यू हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर जो है ना वीडियो बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ। कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने कॉपी पेस्ट काम करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट काम आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है एबीसी वर्ल्ड फॉर किड्स, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे गेम आ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो भी आप डाउनलोड करना चाहें उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गेम ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये गेम आप लोग देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं जो भी गेम आप डाउनलोड करना चाहें उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास ये गेम आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको आप लोगों ने ऑन कर लेना है। मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो भी आप खेलना चाहें, इसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं, तो वो गेम खेल कर आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। ये लेटर्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ये नंबर्स हैं, ठीक है, और ये ट्रैकिंग है। तो जो भी आप लोग क्लिक करना चाहें, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करना चाहें, तो वो गेम खेलकर आप लोग उससे अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल ये जो ट्रैकिंग है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपने करने क्या है, जो आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों ने बच्चों को यहाँ पे कुछ गाइड करना है। ये जो वन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनको सबक सिखा रहे हैं कि बेटा जो ए है उसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, और दूसरा जो है ना बी है, पहले दो तक जाना है, उसके बाद आप लोगों ने तीन से लेकर इसको चार तक ले जाना है, और फिर आप लोगों ने पांच से लेकर इसको छह तक ले जाना है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सी का जो ऑप्शन आता है यहां पे आप लोगों ने क्लिक करना है, वन से लेकर टू तक आप लोगों ने इसको ले जाना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। अब ये तो था एक गेम, ठीक है, इसको आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं। अब आपने वन से लेकर टू तक एन को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद थ्री से आपने फोर तक जाना है, और फिर फाइव से आपने सिक्स तक जाना है ऐसे, ठीक है, और वन से आपने टू तक जाना है, फिर आपने थ्री से लेकर फोर तक जाना है। ऐसे आप लोगों ने बच्चों को गाइड करना है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, बेयर। अब आपने यहाँ पे वन के ऊपर पहले क्लिक करना है, बच्चों को ऐसे बताना है, फिर दो के ऊपर, ठीक है, और थ्री से आप लोगों ने जाना है फोर तक, और फोर से आप लोगों ने फिर फाइव, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बच्चों को गाइड करते जाएंगे। और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ये नंबरिंग है, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप लोग बच्चों को इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ रहा है जीरो। तो इसी तरह आप लोग बच्चों को भी गाइड करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने ये जो जीरो है, ठीक है, इसको पकड़ कर आपने यहाँ पे ले आना है कुछ इस तरीके से, और दोबारा ये जो ये वाला आंसर है इसको पकड़ कर आपने यहाँ पे ले आना है, ठीक है। जीरो है, इसको पकड़कर इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमने फिट कर लेने हैं। मैं ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ई है इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और जो बी है इसको इस वाले ऑप्शन के ऊपर ले आता हूँ, और जो आर है इसको इस वाले ऑप्शन के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब आपकी जो वीडियो है वो हो गई है रेडी। अब आपने क्या करना है, अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको सेव कर लेना है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, काइन मास्टर या इनशॉट, जो भी आप यूज करें, ठीक है, कैपकट, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ इनशॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो वीडियो हमने अभी रिकॉर्ड की हुई उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर लिए। जो फालतू पार्ट्स हैं उनको आप लोगों ने कट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने ये वाला जो, ठीक है, यहाँ पे इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन है, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च बार में आप लोगों ने सर्च करना है टीचर एनिमेशन, ठीक है, टीचर एनिमेशन इमेज आप लोगों ने ये सर्च करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर सर्च करेंगे, भी आप डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने। और उसके बाद जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा उसी इनशॉट के ऊपर आ जाना है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर, और दोबारा आपने पीआईपी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और फोटोज़ वाले ऑप्शन में जाकर इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपने ऐड कर लिया है, ठीक है। वॉइस ओवर भी आप लोगों ने यहाँ पे करना है, ठीक है, वॉइस ओवर आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन के ऊपर, म्यूजिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है तो ये स्टार्ट होगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यही गाइड करना है, ठीक है, बच्चों को कि बेटा आज हम लेसन नंबर वन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि ए को कैसे लिखते हैं सही तरीके से। सबसे पहले बेटा आपने ए से लेकर इसको टू तक ले जाना है, ठीक है,
और उसके बाद आपने 3 से लेकर इसको 4 तक ले जाना है, 3 से लेकर इसको 4 तक ले जाना है। अगेन आप लोगों ने 5 से लेकर इसको यहाँ पे 6 तक ले जाना है और हमारा ये वाला जो ए है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बेटा सीखने वाले हैं बी को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे टॉप से लेकर इसको नीचे ले जाना है 1 से लेकर 2 तक, अगेन आप लोगों ने 3 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 6 तक आपने ले जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर वॉइस ओवर करना है और वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, इसके साथ आप लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देना है और वो आप लोगों को बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, studio.youtube.com आप लोगों ने सर्च करना है, आपके चैनल का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों हमेशा भूल जाता हूँ कि इसमें आप लोगों ने कैटेगरी कौन सी रखनी है, तो इस किस्म की वीडियो में आप लोगों ने कैटेगरी रखना है एजुकेशन, ठीक जो वीडियो है, ठीक है, ये एजुकेशन में आ जाता है। आप बच्चों को जो है ना तालीम दे रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने एजुकेशन रखना है। तो जैसे आपका चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, नीचे आप लोगों ने यहाँ पे देखना है एक ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कोई ऑडियो डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कार्टून, ठीक है। तो कार्टून जैसे मैंने सर्च किया, उसके बाद अगर आप लोग एनिमेशन सर्च करना चाहें, कार्टून सर्च करना चाहें, जो भी सर्च करना चाहें, तो यहाँ पे आगे आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन भी शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस ऑडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं डाउनलोड होने लगा है, ठीक है। कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग ऑडियो लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक लेना चाहें उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एनिमेशन सर्च करें, ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ भी सर्च करना चाहें तो वो आप लोग ले सकते हैं। दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने इनशॉट एप्लीकेशन में आ जाने, बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वॉइस ओवर भी ऑलरेडी किया हुआ है और अब आपने यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने हैं, म्यूजिक वाले ऑप्शन के ऊपर, माय म्यूजिक के ऊपर, और अभी जो हमने मतलब सॉन्ग डाउनलोड की हुई है किड्स सॉन्ग, उसके ऊपर क्लिक करके यूज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे आप लोगों ने यूज कर देना है, ठीक है। और दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे गेम मिलेंगे, सिर्फ एक ये गेम नहीं है, और भी आप लोगों को बहुत सारे गेम मिलेंगे, जो भी आपको सही लगे इसमें आप लोग जितनी अच्छे तरीके से एडिटिंग करेंगे इसकी, इसको जितना खूबसूरत बनाएंगे, ठीक है, मतलब ये वाला जो आइडिया है, ये किड्स लर्निंग वाली वीडियोस हैं, इनमें मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में व्यूज आते हैं, ठीक है, और लाखों नहीं करोड़ों ये वाले चैनल अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप लोग भी ये चैनल आज से ही स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस के ऊपर आप लोग इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो यकीन के साथ कह सकता हूं आप लोग यहां से लाखों रुपए अर्निंग करेंगे। मैंने आप लोगों को कम से कम 50-60 हज़ार इसीलिए बताया था, लोग यकीन ही नहीं करते। अगर आप लोग भी आज से ये काम स्टार्ट करेंगे, ये वाले चैनल जो है ना वो भी इसी तरह एप्लीकेशन से, वेबसाइट से ले रहे हैं और उसके बाद अपलोड करके उससे अर्निंग कर रहे हैं, तो अगर आप लोग भी ये काम आज से स्टार्ट करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने वीडियो बनाना है, वीडियो में उस गेम का कोई लोगो वगैरह ना हो, ठीक है, उस गेम का कोई साउंड वगैरह ना हो, और आपने छोटे छोटे क्लिप यूज करनी है, ठीक है, उनको यूज करके उनको मतलब वीडियो क्रिएट करके आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है और उससे आप लोग लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अब अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।